अब तक आपने देखा कि अपने हम सफर की तलाश में रतन शिव विलास छोड़कर उन चार दूल्हों के घर जा रही हैं, जो उसके दिल के सबसे करीब हैं। इन चार घरों में से ही एक होगा रतन का ससुराल। मैं अपनी आत्मा से इनको आशीर्वाद दूंगी कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, आप खुश रहो। बचपन से रतन ने अपने मन में जो ससुराल की छवि बना रखी है, क्या वही छवि असलियत में उतर पाएगी? क्या ये नए रिश्ते रतन के जीवन में और खुशियां भर पाएंगे, या फिर सच्चाई है कुछ और? दीपक और अभिनव के घर जाने के बाद असलियत से परे रतन आज निकल पड़ी हैं तीसरे दूल्हे के घर। अभिमन्यु काफी स्वीट इंसान। आज जटे हम लोग कहने जा रहे बड़े प्यार से खुले हम, खास करते हैं डांस परफॉर्मेंस के बाद। रतन आई लव यू। अब कर दो, इन्हें टेंशन नहीं है, बोल दिया जो बोलना था। जब मैं धीरे धीरे उनको जानना शुरू किया तो मुझे लगा सच्चे हैं और साथ में अच्छे भी हैं। दोस्ती का दावा आप नहीं करते, लेकिन आज हक आपने वैसा ही जताया। मुझे लगा कि आप स्पेशली मेरे लिए बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बातों पे इतना विश्वास किया, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं जानता हूँ कि सच बोल रहा था और आगे भी मैं सच ही बोलूंगा, चाहे मेरा फायदा हो या नुकसान हो, आई डोंट केयर। देखा जाए तो स्वयंवर 1011 में मैं उनको अच्छे से जान पाई। काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप इतने ऊंचे खड़े रहेंगे तो मैं शायद ये डाल ना पाऊं। मैं डर रहा था एक्चुअली। आपने आज डरने वाली नहीं, बहादुरी का काम किया। जब मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, कड़ा जब पहनाया था और जो उनका रिएक्शन आया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। गेस। मेरे बिना मैं क्या गेस करूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ भी क्या हो सकता है? तेरी हवा में नो आइडिया। बहने लगा हूं जाने मैं कैसे, मेरे बिना मैं रहने लगा हूं तेरी हवा। आपका ये एक्सप्रेशन अमेजिंग, सीरियसली बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी से मिलता है। गिफ्ट किया आपने मेरे को ये। जब मैं उनसे पहली बार मिले थे तो मैं उस दिन जान पाई थी कि जितने इतने हार्ड दिखते हैं, जैसी बातें करते हैं, वो एक्चुअली है नहीं। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तैनु रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दुवारा, असाते तैनु रब मनिया। रतन को पूरा विश्वास है कि अभिमन्यु एक सच्चा इंसान है, लेकिन आज आप देखेंगे कि अभिमन्यु ने रतन को ऐसा कौन सा सच बताया जिससे रतन टूट जाती हैं। जो मैं छुपाना नहीं चाह रहा था, पर शायद तक बता नहीं पाया आपको, मौका नहीं मिला या कुछ था, कंफ्यूजन है। मुझे अगर थोड़ा थोड़ा डाउट हो भी रहा था ना, थोड़ा भी, तो यहाँ आने के पहले जब लगा कि हमें यहाँ आने वाले, वो डाउट चला गया था। क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि अगर इस टाइप की कोई बात है तो अपनी फैमिली तक लेकर जाए, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा अटैच हो अपनी फैमिली से। और मुझे लगा था कि ये नहीं होगा। ये जगह क्यों चुना, घर पे बुलाकर सब लोगों से मिलवाकर? तुम बहुत क्लियर कट बोल सकते थे कि हाँ, मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। तुमको ये मौका समझ में आ रहा है कि जहाँ चार लोग हैं, जहाँ मैं पूरी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ, वहाँ तुम बात कर रहे हो अपने, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इतने बुरे से बेवकूफ बनी हूँ। अभी सिर्फ तुमसे मेरा नाता नहीं है, अभी तुम्हारी फैमिली से मिली हूँ, उनके साथ बातचीत हो रही है, मैं उनको क्या बोलूँ, उनसे क्या बात होगी मेरी? तुम तो वहाँ जाओगे और तुम्हारे घर वाले हैं, तुम वहाँ खड़े होगे, शायद तुमको किसी
किसी भी तरीके का तमाशा मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ना अपने शो में, जो भी हो लोगों को ये शो लगेगा लेकिन ये मेरी जिंदगी है। और मुझे बुरा सिर्फ ये लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाई, मैं बेवकूफ बनी। अरे बेवकूफ नहीं, ऐसा मत बोल यार, गिल्ट फील मत करवा।